डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। पिछले चार पांच वीडियो से मैं इंटेगूमेंट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और इंटेगूमेंट के बारे में आपको ये बताया था कि स्किन के क्या फंक्शन होते हैं, स्किन की क्या संरचना होती है, फीदर्स क्या होते हैं, फीदर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या संरचना होती है। इसी तरीके से हेयर्स के बारे में बताया और स्केल्स के बारे में बताया। ये सारी की सारी जितने भी वीडियो बनाएंगे वो टोटल के टोटल इंटेगूमेंट के ऊपर है, और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ इंटेगूमेंट। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्किन या इंटेगूमेंट पाई जाती है उस इंटेगूमेंट का कंपेरिजन पढ़ेंगे अपन वर्टिब्रेट्स में। और वर्टिब्रेट्स में अपन यहाँ पर क्या लेंगे, सैंपल के तौर पर अपन ने क्या लिया है, फिशेज के अंदर स्कोलियोटोल लिया है, और रेप्टाइल्स के अंदर यूरोमेस्टिक्स जिसको सांडा भी बोलते हैं उसको लिया है अपन ने, और एम्फीबिया के अंदर अपन लिया फ्रॉग को, और उसके बाद में पिजन को लिया है एवीज में, और मेमल्स के अंदर अपन ने रेबिट में लिया है। यानी ये पांच एनिमल मान लीजिए, पांचों क्लास के पांच एनिमल है, स्कोलियोटोल फिशेज का, रेप्टिलिया का अपने यूरोमेस्टिक्स लिया है सॉरी एम्फीबिया का फ्रॉग, और पिजन लिया अपने एविस का, और मेमल का रैबिट। इन पांचों की इंटेगूमेंट का अपन डिफरेंस पढ़ेंगे, एक तरीके से कंपैरिजन पढ़ेंगे इनका। तो अपन इसको संरचनात्मक रूप पढ़ रहे हैं, तो ये कंपेरेटिव एनाटॉमी हो गया, डिफरेंस है कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ इंटेगूमेंट किसमें, वर्टिब्रेट्स में। इससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां पर जो अपन कंपेरिजन करेंगे तो किसका कंपेरिजन करेंगे, संरचना का, और संरचना में मेन क्या है, एपिडर्मिस और डर्मिस, और उनमें पाई जाने वाली संरचना और उनके डेरिवेटिव। एपिडर्मिस के कौन कौन से डेरिवेटिव है और डर्मिस के कौन कौन से डेरिवेटिव है, व्युत्पन्न उनके कौन कौन से हैं, और उनका अपन कंपेरिजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, यहां पर मैंने एक चार्ट बना रखा है और इन इन करेक्टर्स का अपन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और ये पांच डायग्राम मैंने बना रखे हैं, ये पांचों के पांचों डायग्राम है, वो इनकी स्किन का वीएस है, वर्टिकल सेक्शन का अपन ने डायग्राम बना रखा है। एक बार थोड़ा सा बता देता हूं मैं पहले आपको कि ये एपिडर्मिस का पोर्शन है, ये डर्मिस का पोर्शन है, सभी के अंदर ये एपिडर्मिस है, कहीं नाम लिखा हुआ है, कहीं लेबलिंग नहीं करी हुई है, ये डर्मिस। फ्रॉग में देखो तो आप, ये एपिडर्मिस है और ये बाकी सारा का सारा डर्मिस। अगर पिजन में देखो तो ये एपिडर्मिस और ये डर्मिस, और ये मेमिलिया के अंदर एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है। सबसे पहले तो ये है कि एपिडर्मिस क्या है, सबसे बाहरी एक्सटर्नल लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, और मल्टीलेयर, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, मैं मल्टीलेयर बोल रहा हूं सभी के अंदर, और आगे जाकर के ये भी बोलूंगा कि मेमिलिया क्लास के अंदर पांच लेयर होती है, बाकी के अंदर दो लेयर होती है। तो जो कंफर्म लेयर होती है वो मेमिलिया के अंदर पांच होती है, बाकी के अंदर दो ही होती है, और स्कोलियोडोन में देखें तो ऊपर वाली कॉर्नियम भी नहीं होती है। और मल्टीलेयर इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो सभी के अंदर होती है, कौन सी, स्टेटम मेल्पी की, जो नीचे वाली होती है, जो डिवाइडिंग सेल होती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी जिसके अंदर होती है उसको अपन स्टेटम मेल्पिकी बोलते हैं, वो सभी के अंदर होती है, वही डिवाइड होकर के अन्य सेल को जन्म देती है और सेल ऊपर जाती रहती है। तो ये जो एपिडर्मिस है इसमें मल्टीलेयर्ड है ये, लेकिन फिक्स लेयर केवल मेमिलिया के अंदर ही है, जिसके अंदर पांच लेयर अपन बताएंगे आगे, पांच लेयर पाई जाती है, बाकियों के अंदर दो लेयर होती है, स्कोलियोडोन के अंदर एक ही लेयर होती है। मल्टीलेयर इसलिए बोल रहा हूं कि जो मेल्पी की लेयर है वो डिवाइड होती है, खूब सारी सेल बन जाती है, एक तरीके से लेयर बन जाती है, लेकिन परमानेंट जो लेयर होती है वो मेमिलिया को छोड़ करके बाकी में लगभग दो होती है और मेमिलिया में पांच होती है। ये एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है, और इसे एपिडर्मिस के अंदर अपने संरचना पहले पढ़ चुके हैं अपन, और उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। डर्मिस को देखें तो एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, डर्मिस, और उस डर्मिस वाले भाग के अंदर ज्यादातर क्या मिलते हैं, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू मिल सकते हैं, फाइबरस टिश्यू मिल सकते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व वेसल्स होती है
तो ये चीजें किसमें मिलती है? डर्मिस में, और वो डर्मिस है वो मिजोडर्म से उत्पित होती है, मिजोडर्म से वो बनती है। तो अब अपन इनका कंपैरिजन लेते हैं। तो कंपैरिजन में देखिए, सबसे पहले अपीयरेंस, अपीयरेंस। अब सबके अंदर कैसी अपीयरेंस है? अपन अगर स्कोलियोडोन में देखें तो जो स्किन होती है वो देखने में कैसी लगती है? एकदम से रफ लगती है, देखने में एकदम रफ होती है और वो हार्ड होती है। और कवर्ड बाई डर्मल स्केल्स, उसके ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं फिशेज के अंदर, लेकिन उनका व्युत्पन्न किससे होता है? डर्मिस से। तो डर्मल स्केल्स के द्वारा वो कवर्ड होती है। इसी तरीके से अपन अगर यूरोमेस्टिक्स में देखें तो यूरोमेस्टिक्स में क्या हुआ? यहां तो अपन ने क्या बताया? हार्ड बताया, यहां पर भी हार्ड है, ठीक है। और ये देखिए यहां पर ड्राई होती है, यूरोमेस्टिक्स के अंदर है वो ड्राई होती है, हार्ड होती है और कवर्ड बाई एपिडर्मल स्केल्स। ध्यान रखने की बात है कि स्कोलियोडोन के अंदर जो बाहर स्केल्स निकले रहते हैं वो डर्मिस का व्युत्पन्न है, और यूरोमेस्टिक्स के अंदर अपन ने बताया रेप्टिलिया के अंदर वो क्या है? एपिडर्मल के डेरिवेटिव होते हैं। तो अब अपन अगर फ्रॉग की अगर देखें स्किन को, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है और मतलब टफ होती है, चिंबड़ बोलते हैं जिसको, टफ होती है और मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट का नम होती है क्योंकि वो पानी में रहता है, और म्यूकस ग्लैंड होती है स्किन, वो स्लाइमी है और उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड होती है। फिर अपन अगर पिजन की देखें तो पिजन की अगर स्किन को देखें तो अपने को कैसे दिखाई देगी? ऊपर से एपिडर्मिस कैसे दिखाई देगी? एकदम से सॉफ्ट होगी, फ्लेक्सिबल होगी और कवर्ड बाई फीदर्स और स्केल्स। तो ऊपर क्या है, अपने को पता है कि एविज के अंदर फीदर्स पाए जाते हैं, तो ये कवर्ड बाई फीदर्स होती है और स्केल्स भी होते हैं, जैसे टांगों के ऊपर स्केल्स होते हैं। और इसी तरीके से मेमल्स में अगर देखो तो बिल्कुल एकदम मोटी होती है और बाहर ये इसमें हेयर्स निकले रहते हैं, तो ये पहचान भी है। अगर आप सेक्शन देखेंगे वीएस का, अगर आपको हेयर नुमा संरचना बाहर दिखती है इसका मतलब किसकी है? मेमिलिया की। अगर आपको फीदर लाइक संरचना बाहर दिख रही है इसका मतलब वो क्या है? पिजन की है। अगर आपको स्केल्स दिखते हैं तो या तो किसकी होगी? स्कोलियोडोन की होगी या फिर यूरोमिस्टिक्स की होगी, और उसके बाद में अपन और अन्य कैरेक्टर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रॉग की देखोगे तो बिल्कुल ऊपर से एकदम से स्मूथ दिखाई देती है, कोई भी अतिवृद्धि उसके अंदर नहीं निकलती है। तो ये एक अपीयरेंस है, मतलब देखने से, बाहर से देखने पर कैसी दिखाई देती है। सेकेंड कैरेक्टर ले रखा अपन ने कलर। अब कलर में क्या है, हर एक का अलग अलग कलर है, रैबिट में और पिजन में कलरलेस है, इन दोनों के अंदर कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है स्किन का, लेकिन यहां पर कलर है। स्कोलियोडोन में अगर देखो तो ग्रे कलर, डोर्सल साइड देखोगे तो ग्रे कलर दिखाई देता है, और वेंट्रल साइड है वो पेल येलोइश होती है, पेल येलोइश। यूरोमेस्टिक्स में देखो तो डार्क ब्राउन कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की स्किन होती है। और फ्रॉग के अंदर देखें तो ग्रीनिश होती है, उसके ऊपर ब्लैक है वो पैचेज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें कलर, तो इन तीन में अपन ने कलर बताए और ये दो क्या बताए अपन ने? कलरलेस। अब ध्यान से सुनिए हर एक को। फिर आता है अटैचमेंट विद बॉडी, अटैचमेंट विद बॉडी, बॉडी के साथ में उसका अटैचमेंट कैसा है? तो यहां पर देखिए आप, ये जो स्कोलियोडोन है और यूरोमेस्टिक्स है और रैबिट है, इनमें फर्मली अटैच्ड होती है, यानी जो एपिडर्मिस होती है वो बॉडी के साथ में एकदम से दृढ़ता से चिपकी रहती है। किसमें? स्कोलियोडोन में, यूरोमेस्टिक्स में और रैबिट में। यहां देखिए मेंढक और पिजन में देखिए आप, मेंढक और पिजन के अंदर, दोनों के अंदर जो स्किन है वो लूजली अटैच्ड होती है, ढीली डाली होती है यूं कह सकते हैं अपन, वो उसको अपन अगर पकड़ के खींचेंगे तो वो आराम से ऊपर आपको आ जाएगी, तो वो लूजली अटैच्ड होती है, एक समझे दृढ़ता से चिपकी हुई नहीं होती है। यूरोमेस्टिक्स में अपन ने क्या बताया? फर्मली अटैच्ड है, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा जैसे गर्दन के पास में है, बेली के पास में है, यहां पर थोड़ा लूज होती है, बाकी बॉडी के साथ में अच्छे तरीके से अटैच रहती है। नेक्स्ट देखिए लेयर्स, लेयर्स एपिडर्मिस, क्योंकि सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में लेयर देखिए आप, यहां पे देखिए आपको दो लेयर दिखाई है स्कोलियोडोन में, कॉर्नियम और मेलपिजी। बहुत से लोग बाग इसको कॉर्नियम को मानते भी नहीं है यहां पे, बट हल्का सा इसमें, क्योंकि यहां पे स्केल्स निकले रहते हैं डर्मल स्केल्स,
तो ये अंदर क्या है, मेलपीजियल। तो यहां दो लेयर मान लीजिए आप, यहां पर भी दो लेयर है, यहां पर भी दो लेयर होती है, यहां पर भी दो लेयर होती है, और यहां पर देखिए पांच लेयर है केवल मेमेलिया के अंदर। ऊपर वाली क्या है, स्टेटम कॉर्नियम, ये स्टेटम लूसिडम, ये जर्मिनेटिवम ग्रेनुलोसम, और ये स्पॉन्जियोसम, और ये मेलपिगी। तो नीचे नीचे क्या है, मेलपिगी, उसके बाद में स्टेटम स्पॉन्जियोसम, उसके बाद में स्टेटम ग्रेनुलोसम, स्टेटम लूसिडम, और लास्ट के अंदर क्या होती है, कॉर्नियम। तो ये डिवाइडिंग सेल है, कौन सी, मेलपिजी। ये जैसे जैसे ऊपर जाती है ये डिवाइड होती है और सेल ऊपर जाती रहती है और एक नई सेल का निर्माण करती है, और इनमें केराटिन धीरे धीरे केराटिन जमा हो जाता है। तो लास्ट वाली अपन देखेंगे तो उसका नाम क्या है, स्टेटम कॉर्नियम, केराटिनाइज्ड है ये एकदम से, इसमें केराटिन भरा हुआ है। तो ये ड्राई लेयर है बाहर वाली, कॉर्नियम। तो इस तरीके से ये इनमें लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए आप, एपिडर्मल डेरिवेटिव। अब एपिडर्मल डेरिवेटिव कौन कौन से, सबसे पहले देखिए म्यूकस ग्लैंड। अब म्यूकस ग्लैंड किसके अंदर है, म्यूकस ग्लैंड केवल और केवल फ्रॉग के अंदर पाई जाती है, और फ्रॉग के अलावा ये यूरोमेस्टिक्स में भी होती है, फ्रॉग और यूरोमेस्टिक्स में म्यूकस ग्लैंड। तो यहां पर जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो यूनिसेलुलर होती है, और वहां पर मल्टीसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर है यहां पर और वहां पर मल्टीसेलुलर है। पॉइजनस ग्लैंड भी होती है इनमें, लेकिन यहां पर जो पॉइजनस ग्लैंड होगी वो कौन सी है, मल्टीसेलुलर। इसके बाद में देखिए आप फीमोरल ग्लैंड। अब वो फीमोरल ग्लैंड किसी में नहीं है, केवल बर्ड्स में होती है, जो फीमर होती है उस स्थान पे, थाई वाले स्थान के ऊपर वो ग्लैंड पाई जाती है, वो है फीमोरल ग्लैंड। तो ये एपिडर्मिस का डेरिवेटिव है। यूरोपाइजल ग्लैंड, अब यूरोपाइजल ग्लैंड किसी में भी नहीं है, केवल बर्ड्स के अंदर पाई जाती है, पिजन के अंदर पाई जाती है, टेल वाले भाग के अंदर यूरोपाइजल ग्लैंड पाई जाती है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन का काम करती है। नेक्स्ट देखिए स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड किसी में नहीं है, केवल और केवल मेमेलिया क्लास के अंदर है स्वेट ग्लैंड। ये अपन ने यहां पर स्वेट ग्लैंड दिखा रखी है। तो ये स्वेट ग्लैंड किसमें, ये स्वेट ग्लैंड दिखा रखी है अपने यहां पे, तो ये मेमेलिया के अंदर है। फिर देखिए सीबेसियस ग्लैंड, ये सीबेसियस ग्लैंड यहां पर किसमें दिखा रखी है अपन ने, केवल मेमेलिया के अंदर दिखा रखी है, जो कि विटामिन बी का भी संश्लेषण करती है, और जो सीबम निकालती है उससे त्वचा नम बनी रहती है, और जो हेयर्स होते हैं उनमें आपस में घर्षण भी कम होता है। और इसके बाद में आता है मेमेरी ग्लैंड। अब मेमेरी ग्लैंड भी अपने को पता है केवल मेमेलिया क्लास में पाई जाती है, जो कि मिल्क का श्राव करती है। तो ये ग्लैंड्स है, ठीक है। उसके बाद में आता है स्केल्स। अब स्केल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, स्केल्स ये देखिए यहां पर स्कोल्यूडन में भी है और यूरोमेस्टिक्स में भी है और बर्ड्स में भी पाए जाते हैं स्केल्स। लेकिन यहां पर जो अपन स्केल्स पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं, अभी अपन एपिडर्मल डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। तो एपिडर्मल वाले स्केल्स कौन से, केवल यूरोमेस्टिक्स में। देखिए यूरोमेस्टिक्स में जो स्केल्स निकले रहते हैं वो कौन से, एपिडर्मिस के। तो एपिडर्मल स्केल्स किस में पाए जाते हैं, केवल केवल यूरोमेस्टिक्स में। लेकिन ध्यान रखना बर्ड्स में भी मिलते हैं। बर्ड्स में कहां मिलते हैं स्केल्स, आपने पक्षी देखे हैं, मोर को भी देखे हैं उनकी जो लेग्स होती है, ठीक है, लेग्स का जो सेंक वाला रीजन होता है, नीचे वाला रीजन, वहां पर स्केल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पक्षियों में चोंच होती है, तो चोंच का जो बेस होता है वहां पर भी छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये स्केल्स एपिडर्मल है, कौन से वाले, यूरोमेस्टिक्स में पाए जाने वाले स्केल्स। ये ऊपर अपने स्केल्स दिखाए, तो ये क्या है, यूरोमेस्टिक्स में और किस में बताए, पिजन में। तो ये क्या है, एपिडर्मल डेरिवेटिव। स्केल्स यहां पर भी है लेकिन ये क्या है, डर्मल स्केल्स है, ये डर्मल स्केल्स है, ये स्केल नहीं है, ये प्लेट्स है। क्लोज, क्लोज किस में पाए जाते हैं, इन तीनों में क्लोज पाए जाते हैं, किस में, यूरोमेस्टिक्स में, पिजन में और रेबिट के अंदर जो डिजिट्स होती है उनके आगे क्लोज निकले रहते हैं, नखर निकले रहते हैं। तो ये केवल किस में पाए जाते हैं, यूरोमेस्टिक्स में, पिजन में और रेबिट के अंदर।
उसके बाद में आ जाइए बीक। अब चोंच, चोंच अपने को पता है केवल और केवल बर्ड्स में पाई जाती है, तो ये डेरिवेटिव है इनके। हॉर्नी टीथ, अब हॉर्नी टीथ क्या है? हॉर्नी टीथ केवल और केवल जो फ्रॉग होता है उसके एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर, टेडपोल लार्वा के अंदर पाए जाते हैं हॉर्नी टीथ। फिदस, अपने को पता है फिदस किस में पाए जाते हैं? पक्षियों के अंदर, बाकी किसी में भी नहीं है। हेयर्स, हेयर्स किस में मिलते हैं? केवल मेमेलिया क्लास के अंदर मिलते हैं, रैबिट के अंदर। तो ये कंपेरिजन किसका हुआ? एपिडर्मल डेरिवेटिव का। उसके बाद में देखिए आता है डर्मिस। अब इनकी अगर डर्मिस को अगर देखें तो सबसे पहले अपन ने क्या कैरेक्टर ले रखा है? थिकनेस। तो थिकनेस में अगर आप देखो तो जो पिजन होती है और रैबिट होती है इनमें त्वचा है वो काफी, सॉरी डर्मिस है वो काफी मोटी होती है, बाकी में पतली होती है। ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी देखो डर्मिस के अंदर केवल फ्रॉग में पाई जाती है, बहुत कम मेमल में भी मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम केवल और केवल किस में मिलती है? फ्रॉग के अंदर। उसके बाद में देखिए फैट सेल, डर्मिस के अंदर फैट सेल, देखो यहां पर अपन ने फैट सेल दिखा रखी है, यहां फैट सेल दिखा रखी है, इसका मतलब केवल पिजन में और रैबिट की डर्मिस में क्या पाई जाती है? फैट सेल्स। डर्मल डेरिवेटिव, अब आगे डर्मल डेरिवेटिव, डर्मिस के द्वारा व्युत्पन्न होने वाले जो व्युत्पन्न है वो क्या कहते हैं? डर्मल डेरिवेटिव। देखिए स्केल्स कहां मिलेंगे? डर्मल स्कोलियोडोन के अंदर, स्कोलियोडोन के अंदर जो स्केल निकले रहते हैं वो किसके व्युत्पन्न है? डर्मिस के। पहले भी बताया था यूरोमेस्टिस में किसके? एपिडर्मल सॉरी डर्मल फिन रेज। तो डर्मल फिन रेज क्या होते हैं? जो फिन्स पाए जाते हैं मछलियों के अंदर, स्कोलियोडोन के अंदर जो फिन होते हैं उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए डर्मिस का व्युत्पन्न होता है और वो फिन रेज पाए जाते हैं जो कि फिन को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये कंपेरिजन लास्ट में अपन लिखा है फंक्शन। अब अगर फंक्शन को अपन देखें तो ये त्वचा क्या काम करती है? देखिए स्कोलियोडोन को लेते हैं, स्कोलियोडोन में त्वचा केवल और केवल प्रोटेक्शन का काम करती है और कोई काम नहीं करती है। थोड़ा सा म्यूकस जरूर स्रावित करती है जो कि उसको हल्का सा चिकना बनाए रखता है, तो ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है। यूरोमेस्टिक्स में क्या है? प्रोटेक्शन का जो सभी के अंदर है, सुरक्षा का काम तो त्वचा सभी में करती करती है। तो प्रोटेक्शन के अलावा यूरोमेस्टिक्स में कौन सा काम होगा? चेक डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन को ये रोकती है, क्योंकि जो यूरोमेस्टिक्स है रेप्टाइल है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो उनको अपना पानी संरक्षित करना पड़ता है क्योंकि पानी की डेजर्ट में कमी रहती है, तो त्वचा है यहाँ पर पानी को संरक्षित करने का काम भी करती है। अगर फ्रॉग में देखें अपन तो रेस्पिरेशन, क्योंकि वो पानी में पाया जाता है तो त्वचा है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और प्रोटेक्शन में करती करती है। पिजन में देखें तो क्या है? प्रोटेक्शन तो है ही है, इसके अलावा यहां पर फेदर्स है, ठीक है, इसका मतलब उड़ने में सहायक होती है ये। दूसरा इंसुलेशन में काम करती है, इंसुलेशन बॉडी का टेम्परेचर, शरीर की हीट को बाहर नहीं जाने देती है, बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं। इसीलिए इसके अलावा सेक्सुअल अट्रैक्शन में काम करती है, क्योंकि बर्ड्स में पाई जाने वाली यूरोपाइजियल ग्लैंड जो है, यूरोपाइजियल ग्लैंड जो है वो किसका डेरिवेटिव है? एपिडर्मिस का डेरिवेटिव है और वो सेक्सुअल अट्रैक्शन का काम करती है। तो इस तरीके से ये इसके कार्य। रैबिट में अगर अपन देखें तो क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का तो है ही है, इसके अलावा स्किन यहाँ पर लोकोमोशन का काम करती है, यहाँ पर स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, पसीना निकलता है, इसका मतलब एक्सक्रीशन में भी काम करती है। यहाँ पर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, एपिडर्मिस का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिल्क का सिक्रीशन भी होता है, तो यहाँ पर स्किन है वो काफी काम करती है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कंपेरेटिव एनाटॉमी है। एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, ये बाहर की लेयर है कॉर्नियम और ये कौन सी है? मेलपिगी। तो ये मेलपिगी लेयर क्या करती है? सभी कोशिकाओं को यही जन्म देती है क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल यही है। और ये वाला अपन ने पोर्शन दिखा है एपिडर्मिस का, सॉरी डर्मिस का। और डर्मिस में सामान्यतः क्या पाई जाती है? दो लेयर पाई जाती है, स्टेटम स्पॉन्जियसम और स्टेटम कम्पैक्टम। तो ये सभी के अंदर पाई जाती है ये दोनों लेयर। इसके अलावा अलग से कोई भी संरचना नहीं है। यहाँ पर अपन ने ये केवल क्यूटेनियस ग्लैंड दिखाई है। ये जब अपन ने कहा था कि यहाँ फ्रॉग में क्या पाई जाती है? म्यूकस ग्लैंड, तो वो अपन ने अलग से दिखाई है।
इसके अलावा यहाँ पर फिगर दिखा है और यहाँ पर अपन ने ये हेयर फोलाइकल दिखा है, तो यहाँ पर हेयर बार निकले दिखाए, स्वेट ग्लैंड दिखाई है और सीबीएसएस ग्लैंड दिखाई है। तो इस तरीके से ये कंपेरेटिव चार्ट है एक तरीके से किसका, इंटरगोमेंट का। इसके अलावा आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको रिटर्न मटेरियल भी मिलेगा। उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो थ्योरेटिकल मटेरियल है वो भी आपको अवेलेबल होगा। इसलिए आप पहले वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद में उस लिंक को देख करके वो आप जो पूरा थ्योरेटिकल मटेरियल है वो पूरा पढ़ सकते हो। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब है वो अवश्य मिलेगा। थैंक्स।